आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। ओ एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जिनके नाम मात्र से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, ऐसे गणेश गणपति महाराज की सदा ही जय हो। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं से विनती करूंगी कि ध्यान कीजिए और अपनी इंद्रियों को वश में कीजिए। आज मंगलवार 19/12/2017 चंद्र धनु राशि में अहोरात्र नक्षत्र है मूल, सुबह 10:08 तक और उसके बाद है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज के मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। सुबह 11:14 से लेकर दोपहर 12:36 तक है लाभ। दोपहर 12:36 से लेकर दोपहर 1:57 तक है अमृत और दोपहर 3:18 से लेकर दोपहर 4:40 तक है शुभ। धन को एकत्रित करना बहुत ही सहज होता है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना बहुत मुश्किल। चाह कर भी भूल जाते हैं हम अपने संस्कारों को। याद रखिए, बांधे रखिए पल्लू से अपने संस्कारों को, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ऐसी मेरी आपसे शुभकामना। सैर कार्यक्रम में मैं कामिनी खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज चंद्रमा धनु राशि में, आज जो भविष्य बताऊंगी वो सारे ग्रहों के हिसाब से। मेष राशि, थोड़ी सी बेचैनी तो है चंद्रमा के शनि के साथ होने के कारण, लेकिन साथ साथ चतुर्थ में राहु जो बेचैनी देते हैं और दशम में केतु, तो आधे अधूरे काम बनने से भी है। और परिवार में आपको कलह नहीं करनी है, तबीयत को भी संभालना है। ऑल ओवर परिस्थितियों को ठीक करने के लिए शिव जी की आराधना कीजिए। वृषभ राशि, आज अष्टम में बने चंद्रमा का निवारण करने के लिए खूब सारा पानी पीकर और चंद्र दर्शन करना है आपको, और जो काम मिल रहा है आपको उसकी स्थिति अच्छी है, उसको आप नकारिए मत, उसको कीजिए। पत्नी या पार्टनर के साथ बेचैनी नहीं करनी है। विरोधियों के साथ जो आपकी अनबन चल रही थी वो कंट्रोल में है मंगल की वजह से। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब चंद्रमा जो थोड़ी सी बेचैनी आपकी तबीयत की कल जो खराब थी आज बेटर हो रही है, और जो आपकी सही सोच है गुरु के कारण उससे आपको काफ़ी फर्क पड़ता है, लेकिन माइंड में असमंजस और दुखीपना भी है। इस दुखीपने को निकालने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। अभी तो शुक्र अस्त होंगे फरवरी तक, तो माता की आराधना करते रहने हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए लग्न में बैठा राहु काफ़ी आपको काम से चिंता दिलवाता है। बार बार रहकर आप सोचते हैं कि पैसा कैसे आएगा, काम कैसे होगा, गाड़ी कैसे चलेगी। अभी फिलहाल जितने परेशानी है आगे चलकर नहीं रहेगी। आप श्री गणेश जी की आराधना करते रहिए और आज खूब सारा पानी पीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब चंद्रमा की स्थिति जो माइंड पे बनी है और जिसकी वजह से आपको कल और आज बेचैनी थी, ये बेचैनी माता से सलाह लेकर निपटा सकते हैं। हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, और आप सपोर्ट लीजिए अपने छोटे भाई बहनों का, उनकी सेवा कीजिए आप। और जो भी बेचैनी है जहाँ भी, सभी के लिए अगर एक इलाज बताऊँ तो शिव जी की आराधना रोज किया कीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए त्रिग्रही योग आपके पराक्रम में, तो जो आपको यात्रा फलीभूत नहीं होती या बेचैनी है आपको घरेलू बातों से भी, तो सभी चीज़ों का एक इलाज अगर बताऊं तो आपको दुर्गा सप्तशती के जाप करने चाहिए या महाकाली के दर्शन करने चाहिए। घड़ी सुधारने वाले तो बहुत मिल जाते हैं ना, लेकिन समय कौन सुधारेगा? तो समय सुधारने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, अच्छे विचार रखने पड़ेंगे, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिव रहने के लिए मैं ले आती हूँ सहर कार्यक्रम में आप सभी के लिए अच्छे अच्छे विचार, और फिलहाल तो आपको सुना रही हूँ तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। तुला राशि, तुला राशि के लिए ओवरऑल स्थिति अगर देखें तो द्वितीय में बैठे ये त्रिग्रही योग आपको बेचैनी देते हैं। शुक्र के अस्त होने के दिन हैं, सूर्य की वजह से आपको कड़क पूजा माता की बहुत फलेंगी। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते रहिए, साथ में महाकाली के दर्शन कर सकते हैं शुक्रवार और शनिवार के दिन। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा त्रिग्रही योग आपको एक प्रकार की उदासी दे रहा है। बुध आपका
स्वभाव से मिलने वाला ग्रह नहीं, और ये द्वादश में बैठे गुरु, द्वितीय में बैठे शनि, तो आपको कोई काल सर्पयोग भी बना हुआ है पूर्ण रूप से। इन स्थिति से निपटने के लिए आप शिव जी की लघु रुद्री करवा सकते हैं सोमवार के दिन, और साथ में आप कर सकते हैं सूर्य की आराधना या किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्न में बैठा शनि चंद्र, पर्सनैलिटी में थोड़ा सा हेर फेर था, और द्वादश में सूर्य बुध शुक्र का योग, इससे आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव, रिश्ते आ रहे हैं पर सही नहीं आ रहे, शादी करने के योग चल रहे हैं बट मन नहीं बन रहा, एक विचित्र सी स्थिति है। अगर आप चाहते हैं वाकई आपकी शादी हो तो आप नारायण लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, अपने पॉकेट में हल्दी की गांठ रख सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब जो ये त्रिग्रही योग बना है आपके दशम में और लाभ में, फायदा देके जाएगा, कहीं ना कहीं से खूब सारा काम और पैसा भी आएगा। अभी फिलहाल शुक्र के अस्त होने के कारण आपको काम में एकदम ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं लग रही, और आप सब कुछ होते हुए भी उदास हैं। हालांकि शुक्र संभाल रहा है, माइंड को देख रहा है, बच्चों को संभाल रहा है, थोड़ा बच्चों से भी सलाह ले सकते हैं काम के विषय में, अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब चंद्रमा जो आपके बन गए लाभ में, उन्होंने पैसा थोड़ा आपका रोका विरोधियों के कारण, और द्वादश में बैठा केतु आपको थोड़ी सी अधूरे प्रेम संबंधों से बेचैनी देता है। फरवरी के बाद ये स्थिति बदलेगी। फिलहाल मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अच्छा समय है, एंजॉय कीजिए। मीन राशि के लिए दशम में बैठे शनि चंद्रमा काम की जगह पर झगड़ा फसाद या मन उदास होने की स्थिति बनाते हैं, और जो भाग्य में बैठ गए शुक्र बुध सूर्य, उसकी वजह से आपको विरोधियों से चिंता या आपको यात्रा में थोड़ी सी जो परेशानी थी वो तो अब रिकवर हो रही है, लेकिन यात्रा बहुत ज़्यादा फलीभूत नहीं हो रही आपकी, और हेल्थ में भी परेशानी है, चिंता ना करें, थोड़े दिनों की बात है, 1 से 2 महीने में सब स्थितियाँ बदल जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारी ज़रूरत नहीं होती और कहीं पर पहुँच जाते हैं या कुछ बोल जाते हैं, ऐसे समय पर ना पहुंचना और चुप रहना हमारे लिए अति उत्तम रहता है। उस वजह से क्या रहता है, आत्मसम्मान हिलता नहीं। आत्मसम्मान होने से क्या होता है, आप काम बेहतर स्वरूप से कर पाते हैं। मैं कामिनी खन्ना आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए सुबह सुबह कह रही हूँ, और साथ ही मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए कहती हूँ, गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए ज्योतिषीय विचार बताती हूँ मकर राशि के विषय में। मकर राशि के स्वामी कौन से हैं, शनि महाराज। अब ये शनि महाराज जो हैं ये आसमान में नीले दिखते हैं, इनके वलय हैं, इनके कई चंद्रमा हैं, और बड़ी बात यह है कि ये बड़े दंड प्रिय, न्याय प्रिय, शासक प्रिय होते हैं। आपके शरीर में, स्नायु में, और आपकी कर्मठता में, आपके न्याय प्रिय स्वभाव में, आपके बालों में, आपके आँख के अंदर की काली पुतलियों में इनका निवास होता है, और कई प्रकार की पीड़ाएं दे देते हैं ये, अगर ये ठीक से बैठे ना हों आपकी कुंडली में। इनका स्थान ग्रहण जो इन्होंने किया है वो शत्रु राशि के साथ ना हो, और कहते हैं ना स्वग्रही ना हो गलत हो, तो ऐसे में आप शनि का जो पत्थर धारण करते हैं नीलम, बहुत सोच समझ के धारण करना चाहिए, ऐसे ही नहीं, बहुत ज़्यादा कोई विद्वान व्यक्ति हो तो उससे पूछ के करना चाहिए, ना हो तो शनि का सब्स्टिट्यूट स्टोन आता है लाजवर्द, जिसे इंग्लिश में लैपिस भी कहा जाता है, वो आप पहन सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सभी को मकर राशि के अधिपति ग्रह शनि और उसके पत्थर स्टोन के विषय में। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। चलो आज हनुमान जी की आरती गाते हैं। आरती कीजिए हनुमान लैला की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।